आज की जो रेसिपी है बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। जी हाँ, आज समोसा बना के दिखाएंगे आप बहुत ही बढ़िया सिंपल तरीके से। आज हम आपके सामने समोसा बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमें मैदा चाहिए, रिफाइंड फ्लावर ले लेंगे। इसमें हम जो है अजवाइन डालेंगे, थोड़ा सॉल्ट, हमने रिफाइंड फ्लावर जिसे मैदा कहा जाता है, मैदा, अजवाइन, नमक और वेजिटेबल ऑयल, आप कोई भी रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं। इसको हमने तीनों को मिक्स करके इसमें फिर हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके इसको आटा गूंदना है। आटे टाइट गूंदिएगा इसे। आटा थोड़ा सा टाइट ही लगाना है। आटा गूंद के हमारा रेडी हो गया। आटा थोड़ा सा नॉर्मली गूंदिएगा, ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। और इसके साथ जो है हमने आलू उबाल के भी रख लिए हैं। आइए बनाते हैं इसको। आइए बनाना शुरू करते हैं। फिर समोसे का जो मसाला होता है वो बनाएंगे। हमने क्या करना है, पहले एक बाउल में मसाले डाल देंगे। एक से डेढ़ चम्मच धनिया डाल देंगे। हो चुका है। मसाले भुनने के बाद हम इसके बाद टमाटर डाल देंगे। देखिए ऐसे लेना, हाथों से तोड़ देना। इसमें हम आलू डाल देंगे। हमारा मसाला रेडी हो चुका है। जो है हम धनिया डाल देंगे। गैस कर देंगे बंद, इसको ठंडे होने तक इसको जो है हमने निकाल लेना है। ये हमारे पास है।
ऐसे बनाएंगे। हम चारों तरफ से ये पानी लगा देंगे। इसको हमने ऐसे लेना, देखिए ऐसे है आपका हाफ, आपने पूरा सर्कल बनाया, बीच से कट कर दिया। फिर इसके बाद ऐसे लेना है, ऐसे, फिर बीच में अंगूठा लगाना है, फिर ऐसे फोल्ड कर देना, ऐसे इसको ले लेना, इसके अंदर फिलिंग करके इसके चारों तरफ ऐसे पानी लगाना। मैं क्या इसको ऐसे फोल कर देना, हमारे समझो बन के रख देगा। खाएंगे कैसे? ये हमने ये डस्ट रखा है रिफाइंड फ्लावर का, तो यहाँ टच करके इसे हमारे नीचे का बेस है चिपके ना, यही चिपकने का डर है आपका, जो समोसा है वो फट सकता है, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी अगर ये चिपका रह गया नीचे तो खाने में। बड़ी सावधानी से इसको डस्टिंग, ये देखिए इसमें डस्ट लग जाता है, अब नीचे रखेंगे तो चिपकेगा। इसको डस्टिंग कहा जाता है, डस्ट मतलब वो वाला डस्ट, मेरा मतलब नहीं है, ये जो रिफाइंड, ये हमारे पास रिफाइंड फ्लावर है हम नीचे से लगाएंगे। रखते टाइम पे भी आप उनको आपको लगाना है और इसको उठाते टाइम पे भी लगाना है। हमने जो सब्जी भरी है वो जो है, इसको ज़्यादा तेल को गर्म करना नहीं है, वो धीमी आंच पे ही आपको वहीं से आपको उठाना है। लो मीडियम आपको फ्लेम पे पकाना है, धीमी आंच पे ही, तेज आंच पे बिल्कुल ना पकाए, अंदर से आपका जो मैदा है वो कच्चा रह जाएगा। धीमी आंच पे पकने दे इसे और बीच बीच में इसको पलटा चलाते रहें। तेल हमें उतना रखना है जिससे समोसा हमारा डूब जाए, पूरी तरह से डुबाना ज़रूरत नहीं है कि इतना तेल डाल दें कि ये पूरा अपना समोसा ढक जाए, इतना भी नहीं डालना आपको, जैसे थोड़ा सा रह जाता है इतना है, हिसाब से डालें, ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत भी नहीं है, और कम तेल डालेंगे तो आपका समोसा तो पूरी तरह से पक भी नहीं पाएगा, बस इसको पक नहीं जाएगा। तो कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे हम, ये चारों तरफ से जिससे पक जाएगा। देखिए कलर आना शुरू हो चुका है, थोड़ा सा कसर बाकी है अभी,
ये जो देख रहे हैं, ये हमारा थोड़ा सा मैदा बच गया था, तो हमने इसकी सामने नमकीन बना लिया, नमक पारे लिए बोल दें। तो याद रखें कि लो मीडियम फ्लेम, बहुत लो फ्लेम पे ही पकाना है। धीमी आंच पे पकाएंगे उतना आपका जो मैदा है बहुत अच्छे से पकेगा, क्रंची रहेगा, क्रिस्पी रहेगा। ये हमारा हो चुका है, देखिए कलर आ चुका है इसमें, और इसको निकाल देंगे। बहुत अच्छे से पक चुका है हमारे। ध्यान रहे फ्लेम मत बंद करें, फ्लेम बंद करेंगे तो ये ठंडा तेल ठंडा होना शुरू हो जाएगा, समोसे निकालने के बाद ही फ्लेम करें, फ्लेम को बंद करें। अभी सेटिंग करते हैं, हमारा समोसा रेडी है। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।